ये आप लोग देख रहे हैं, इतने अमेजिंग रिजल्ट है और स्मेल इतनी अच्छी आ रही है, जिसको बनाना पसंद है उसको तो बहुत मज़ा आएगा ये करने का स्क्रब। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू महनूर लाइफ। सो आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ, वो मैं लाई हूँ रेमेडी। पिछले 3 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी, बिकॉज ऑफ मैं रेमेडी ट्राई कर रही थी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए कि मुझे उसके किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। ये मेरी अपनी रेमेडी है जो मैं आप लोगों को आज बताने लगी हूँ, और बहुत ही ईजी है, आपके घर में रहकर आप लोग इस रेमेडी को कर सकते हैं। और आप लोग सबसे पहले कुछ भी नहीं, सबसे पहले आपने मेरे फेस पर ग्लो देख लें। मैंने इस टाइम अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ, ये आप लोग देख सकते हैं, कुछ भी मैंने अपने फेस पे अप्लाई नहीं किया हुआ, और मेरा ये सारा ग्लो और मेरी पूरी स्किन जो वाइट हुई हुई है, मेरी सिर्फ और सिर्फ इस फेशियल से हुई है, क्योंकि मैंने 3 डेज इसको रेगुलरली किया। बिकॉज ऑफ मैंने आप लोगों को रिजल्ट बताना था, इस वजह से मैंने इसको रेगुलरली 3 डेज किया है। आप लोग चाहें तो वीक में 2 टाइम्स भी कर सकते हैं, 1 टाइम भी कर सकते हैं, पर इसके रिजल्ट इतने अमेजिंग और इतने अमेजिंग है कि मैं खुद शॉक्ड हो गई हूँ कि यार घर में रहकर इस फेशियल से इतने अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो हम सबसे पहले रेमेडी की तरफ चलते हैं। मैं आप लोगों के सामने ही फेशियल करूँगी, आप लोगों के सामने ही सारा रिजल्ट दिखाऊंगी, और आप लोगों के सामने ही सारी इंग्रेडिएंट्स बनाऊंगी, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मैं किस रेमेडी की आज बात कर रही हूँ। आज मैं बात कर रही हूँ इस बनाना की, ठीक है, जो कि हमें खाने में बहुत पसंद होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता इसके बेनिफिट्स कितने ज़्यादा है। पर मुझे भी अब पता चला है कि इसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा है। मैंने पहले कभी ट्राई नहीं की थी, लेकिन मैं अब इस फील्ड में आई हूँ, तो मैंने जैसे जैसे मैं सीख रही हूँ, और मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी है, और मैं जैसे कि इस बनाना के साथ मैंने जो है अपने इन्ग्रीडियंट्स मिला कर जो आज मैंने फेशियल करना है, वो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स है। सो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए काइंडली, और लाइक लाजमी कर लीजिए, अगर लाइक कर लिया है तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सो अब हम चलते हैं रेमेडी की तरफ। हमने इस बनाना को अच्छी तरह से कर लेना है मैश। मैंने अपना टाइम बचाते हुए इसको ऑलरेडी मैश करके रखा हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने ये फोक इसलिए रखा हुआ, मैंने इसी फोक से इसको जो है ना अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना लिया। आप लोग देख लें, ये आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल ये एक पेस्ट के फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसके साथ करेंगे मैजिक अपने फेस के ऊपर। सबसे पहले हमें चाहिए इस बनाना का छिलका, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो है ये कट करके रखा हुआ है। हमने सबसे पहले इसके साथ करनी है क्लेंजिंग अपने फेस की। आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है, तभी आप लोगों को स्टेप समझ आएंगे कि मैं कैसे स्टेप कर रही हूँ और मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। इसके साथ हमने एक करना है क्लेंजिंग, एक स्क्रब और एक मास्क बनाना है, ठीक है। हमने तीनों चीज़ें करनी है, और सबसे पहले मैं कर रही हूँ इसके साथ क्लेंजिंग। अच्छा, इस क्लेंजिंग से आपको एक फ़ायदा होगा कि आपका एकदम स्किन पे इतना ज़्यादा ग्लो आ जाएगा, ये देखें, इससे ग्लो आएगा, और आपकी जो स्किन के यहाँ भी रिंकल्स आ जाते हैं ना, वो आपके एकदम गायब होना स्टार्ट हो जाएंगे, और आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे कि यार हमारे रिंकल्स कहाँ गए। इससे स्किन इतनी ज़्यादा टाइट होती है कि मुझे 3 दिनों में बहुत फ़र्क पड़ा है, यकीन करें। अगर आप लोग भी इसको ट्राई करेंगे तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर देना है, ठीक है। ओके जी, क्लेंजिंग हमारी हो चुकी है, ठीक है, और इसको हम बिल्कुल जो है रिमूव कर देंगे। और जब आप इसे क्लेंजिंग करेंगे ना, तो अपनी स्किन से खुद आप अपनी स्किन से मैल उतरते हुए देखेंगे, और आप लोगों ने ट्राई करना है लाजमी, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आपने लाइक भी लाजमी करना है। ये देखें, मैं अभी कर चुकी हूँ, और आप लोग ये देख लें कि यार इतनी जल्दी इसे स्किन नीट होती है, और एकदम फेस पे शाइन आ गया। मैं वॉश नहीं करूँगी फेस में, आप लोगों के सामने ही बिल्कुल रिमूव कर करके दिखाऊंगी, ताकि क्योंकि मैं लाइव इस टाइम आप लोगों के सामने कर रही हूँ। ये देखें, ये मैंने सिर्फ क्लेंजिंग की है। आप अब हम लोग बनाने लगे हैं स्क्रब। स्क्रब के लिए हमें क्या चाहिए? स्क्रब के लिए हमें चाहिए सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि हम रेमेडी जिसे कर रहे हैं, बनाना। बनाना का मैंने ले लिया है यहाँ पर 2 टेबल स्पून बनाना के, ठीक है। और आप लोगों के घर में ये लाजमी चीज़ होगी, ये है ओट्स। ओट्स आपने लेने हैं, दलिया नहीं लेना आपने गंदम का, ओट्स लेने हैं। ये देख लें, इस तरह से इसका टेक्सचर है, आपको मैं दिखा सकूँ तो, ठीक है। इसको हमने अपने जो है ना स्क्रबिंग में डालना है, ये देखें, ठीक है, ये हो गया, ये आप लोग देख लें, ये इसका बन जाएगा स्क्रब। यह हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, और अब हम इसे करेंगे अपने फेस पे स्क्रब, ठीक है। और इसके रिजल्ट्स भी आप लोग देखेगा, ये देखें, ये आप लोग देख रहे हैं, इतने अमेजिंग रिजल्ट है, और स्मेल इतनी अच्छी आ रही है, जिसको बनाना पसंद है उसको तो बहुत मज़ा आएगा ये करने का स्क्रब। आपने 5 से 10 मिनट इसको स्क्रब करना है लाजमी, 5 से 10 मिनट आप लोग ने लाजमी करना है, ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे मास्क, वो भी मैं आप लोगों के सामने ही बनाऊंगी,
मैं स्क्रब करके फिर आती हूँ। अब मैंने कर लिया है, 5 से 10 मिनट मैंने स्क्रब किया और मैं आप लोगों के सामने ही इसको रिमूव करूँगी। सो आप लोग देख लीजिए रिजल्ट, ये आप लोग देख लीजिए, मेरी फेस एकदम वाइट और एकदम शाइन आ गया मेरे फेस पे और आपको खुद फील होगा कि आपने कुछ की है अपने फेस पे। अब हम बनाएंगे मास्क। मास्क के लिए हमें चाहिए क्या, सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिए कि हमें मास्क के लिए चाहिए क्या। हमें चाहिए मिल्क। मिल्क आप कोई भी ड्राई मिल्क ले सकते हैं, अगर आप लोगों के पास ड्राई मिल्क नहीं है तो आप लोग ले सकते हैं नॉर्मल मिल्क भी, लेकिन मैं यहाँ इस रेमेडी में स्पेशलिटी है मास्क में कि आपने ड्राई मिल्क लेना है। ये देख लें, किसी भी ब्रांड का ले लें, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एक्सपेंसिव ब्रांड लें, कोई भी ब्रांड ले लें। उसके बाद मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ बनाना, बनाना के मैं 2 टेबलस्पून इसमें ऐड करूँगी। ये देख लीजिए, ठीक है। और अब इसमें ऐड होगा एक और इंग्रेडिएंट, वो है एलोवेरा जेल, ठीक है जी। इसमें हमने थोड़ी सी, ये देख लें, बिल्कुल थोड़ी सी हमें एलोवेरा जेल चाहिए। और हमें एक और चीज़ इसमें चाहिए, हमें चाहिए कोकोनट ऑयल, ठीक है। कोकोनट ऑयल आपको आइडिया नहीं है आपकी स्किन के लिए कितना अच्छा है। ये देखें, फ्यू ड्रॉप्स हमें चाहिए, 3 से 4 ड्रॉप्स मैंने इसमें ऐड किए हैं जस्ट। अब हम इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स और ये आपका इतना इतना अमेजिंग मास्क बन जाएगा। अगर आप इस मास्क को ही सिर्फ यूज़ कर लेंगे ना तो आपकी स्किन दिनों में चेंज होगी और आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे, आपकी स्किन इतनी मैजिकल हो जाएगी कि, क्योंकि मुझे, मेरे साथ हुआ है तो मुझे आइडिया है। ये देखें, इसके ये हो गए टेक्स्चर। अब हम इसमें जो है ना अपने मास्क को अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे। ये थोड़ा थिक हमने मास्क रखना है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये देखें, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके। ये देख लीजिए, ये आपके फेस पे लग गया मास्क। अच्छे तरीके से हम मास्क लगा लेंगे और इसको आपने 5 से 10 मिनट लगा के रखना है। आंखों के नीचे भी लगाएगा, आंखों के ऊपर मत लगाएगा क्योंकि हमने इसमें एलोवेरा जेल यूज़ किया है, ठीक है। आपको आंखों में इरिटेट कर सकता है, सो इस वजह से, ठीक है। ओके जी, मास्क मैं अप्लाई कर चुकी हूँ। अब हम इसको 10 मिनट्स बाद फेस वॉश करके फिर आते हैं। ओके जी, फेस में अपना वॉश कर रही हूँ, मास्क भी लग गया, क्लिंजिंग भी होगी, स्क्रबिंग भी होगी और आप लोगों के, और मेरा ख्याल है ये 10 रुपीज़ का होगा, 10 रुपीज़ में आप लोगों का जो है पूरा फेशियल हो गया घर में। और इसके रिजल्ट इतने अमेजिंग हैं कि आप लोग खुद शॉक्ड हो जाएंगे जब आप लोग खुद करेंगे। सो आप लोग मेरी अब स्किन देख सकते हैं कि कितनी प्यारी मेरी स्किन हो गया, ये आप लोग देख लें, मैं आपको बहुत पास से दिखा रही हूँ, आप लोग चेक कर लें, ठीक है। बहुत प्यारी मेरी स्किन हो गई। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपने लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोस बनाती रहती हूँ। आई होप आप लोग जो है पसंद कर रहे होंगे मेरी वीडियोस को। सो अब नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।